बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो भी इन्फॉर्मेशन है एक सिरप के बारे में। वो सिरप का जो ब्रांड नेम है लैक्सोब्रोन सिरप है, जिसे आमतौर पर कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो फार्मूलेशन है सोडियम पिकोसल्फेट, इसकी फार्मूलेशन है, इसकी जो प्राइस है तकरीबन 115 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ है। उसके बाद जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है मार्टिन ड्यू फार्मा, इसे मार्केटिंग करती है। उसके बाद पैकिंग जो इसकी 120 ml पैकिंग है। अच्छा, इसके इस्तेमाल की तरफ आते हैं कि इसे किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर। वो इस तरह से कि अगर कोई सीरप इसे यूज़ कर रहा है तो अपने जानने वाले को वो बताते हैं कि आप इस सिरप को इस्तेमाल करें, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेस्ट सिरप है। इसका इस्तेमाल जो है सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर किया जाता है, लेकिन अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो वो और इसकी जो इस्तेमाल की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं वो आपके डॉक्टर जो आपका चेकअप करने के बाद बेहतर तौर पर बता सकते हैं। इस जो सिरप का इस्तेमाल है ये आमतौर पर कब्ज़ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डोज़ है बच्चों और बड़ों के लिए वो अलहदा अलहदा डोज़ है। 1 से 2 जो टीस्पून है वो बड़ों के लिए डोज़ है, बच्चों के लिए 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून है। सोते वक्त आप इसे इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल के दौरान कुछ एहतियात की ज़रूरत है कि अगर इस सिरप को इस्तेमाल के दौरान आपको ज़्यादा महसूस होता है कि आपको मोशन लग गए हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल बंद करें और अपने डॉक्टर से रابطہ करें। उसके बाद इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट में रैशेज़ होना, मोशन बार बार आना, पेट में दर्द होना, दिल खराब होना, वमटिंग वगैरह इसके जो साइड इफ़ेक्ट में शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन इस सिरप के बारे में। अगर तो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर